दोस्तों नमस्कार, रील टू रील में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदेव आज एक विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूंगा। उस विषय का नाम है आगामी इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना थोड़ा मुश्किल कार्य क्यों लग रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जयराम सरकार का अंतिम वर्ष चल पड़ा है, अगले साल इलेक्शन आएंगे, सरकारें बदलेगी नहीं बदलेगी इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। परंतु दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो सरकार है, जो अभी चली है भारतीय जनता पार्टी, अगले साल फिर से शायद यही सरकार सत्ता में वापस आ सकती है। मैं तथ्यों के आधार पर आपको इस बात को बता रहा हूं। आप देखोगे कांग्रेस, जो हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें अपने अंदर ही उनकी आपस में नहीं बन रही है दोस्तों, गुट बंटे हुए हैं। एक बड़ा नेता अलग से, दूसरा बड़ा नेता अलग, इस प्रकार से उनके गुट बंटे हुए हैं, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे अपने चुनावों पर। इसी बात का फायदा लेगी भारतीय जनता पार्टी। यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को आगामी इलेक्शनों में सत्ता से बाहर करना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। समझते हैं ना, एक तिनके को तोड़ना इजी होता है, अगर बहुत से तिनके इकट्ठे किए जाए तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व में अपना एक अलग स्थान, एक अलग लेवल है जिसका, वो है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। अगर इसको तोड़ना है, सत्ता से बाहर निकालना है, तो दिमाग के साथ कांग्रेस पार्टी को काम करना पड़ेगा, जो लगता है हो नहीं रहा है। मुझे यहाँ हिमाचल प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता है। और साथ में हिमाचल प्रदेश में वापस, अब देखिए पंजाब में, आप देखोगे पंजाब में जो आम आदमी पार्टी वो आ चुकी है, इलेक्शन लड़ रही है। इस बार के इलेक्शन यूपी के भी हालात थोड़े नाजुक बने हुए, योगी का कोई पता नहीं है इस बार रहेंगे अगली बार नहीं रहेंगे, और उत्तराखंड का भी कोई सटीक जानकारी हाथ नहीं लग रही है। और साथ में पंजाब में तो पक्का पक्का कांग्रेस बाहर निकलने ही वाली है, बीजेपी के कोई चांस नहीं है, चांस है आम आदमी पार्टी के। तो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, जो ये तीन चार चार पाँच राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं इस बारी। तो अगली वर्ष जब हिमाचल में चुनाव होंगे तो लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जयराम सरकार पुनः अपनी सरकार बनाएगी और साथ में कांग्रेस को विपक्ष में ही फिर से खड़ा होना पड़ेगा। और साथ में देखिए लोगों, जो लोगों का कहना है कि कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कामों से, बहुत से लोग कहते हैं कि काम अच्छा हुआ है, बहुत से कहते हैं कि काम अच्छा नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखें तो काम 50-50% हुआ है इस जो सरकार ने, इस सरकार ने काम किया है, अच्छा काम किया है। मैं बुरा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि देश को अगर चलाना है तो काम तो करना पड़ेगा। और अलीगल तरीके से तो सरकारें बनती नहीं है, लीगली बनती है, लोगों ने अपना कीमती समय देकर वोट दिया होता है, तो उस वोट की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में वोट पड़े थे भारतीय जनता पार्टी को, तो हम नकार नहीं सकते इस बात को दोस्तों। तो देखेंगे अगले, अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो भी ये चार पांच राज्यों में जो इलेक्शन होंगे, इसका हिमाचल प्रदेश पे क्या फर्क पड़ेगा। और साथ में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल क्यों है आगामी चुनावों में। ये ऐसा इसलिए है, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में तो अंदर ही अपनी लड़ाई चली है गुटों में, और अगर बाजी मारनी है तो जो आम आदमी पार्टी है उसको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर वो ध्यान देते हैं इन छोटे छोटे राज्यों पे, तो ज़रूर एक दिन हिंदुस्तान में झाड़ू चलेगा, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो बनेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से नहीं लगेगा कि कांग्रेस शायद जीतेगी। तो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके अंगूठी के ऊपर सब कुछ है। यदि आपके वोट बीजेपी को पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस को पड़ेगी तो कांग्रेस जीतेगी।
और ये भी कहना चाहूंगा कि रामपुर बुशहर से इस बार थोड़ा अपना माइंड बदलिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एक ही चीज को लंबे समय तक ले जाना भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा बदलाव करिए, देखिए किसी और को मौका दीजिए रामपुर बुशहर में, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कहीं विकास हुआ है इन 5-10 सालों में। तो मौका दीजिए, आपसे दूसरी बारी फिर किसी बहुत बड़े मुद्दे पे चर्चा होगी। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए।